हमारा बिरयानी देखिए, अभी मिलाने के बाद जो है ये इसका। हेलो दोस्तों, यादों के सफर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है, समर वेकेशन हो गया है और आज संडे भी है और साथ में आज मदर्स डे भी है। तो आज जो है बच्चों के खास फरमाइश पर हम लोग जो है एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं अपने घर में। तो आइए दोस्तों, आज आप लोग को कुछ स्पेशल एक डिश जो है वो हम लोग बनाएंगे और वो आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग देख के जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये कैसा बना है और ये पूरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगेगा, ये भी जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्मियां तो बढ़ चुकी है लेकिन रांची झारखंड का मौसम ऐसा है कि जब तेज धूप होता है, काफ़ी गर्मियां पड़ती है, तो यहाँ पे बारिश भी हो जाती है। आइए देखते हैं कि इधर बर्नाली क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, थोड़ा उसको भी चल के हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों। तो बर्नाली जी, आपका तैयारी चल रहा है? हाँ। तो आज बच्चों के लिए तो कुछ स्पेशल होने वाला है। हाँ। जो आज बर्नाली दिखाएगी क्या क्या तैयारी हो रही है। वाओ, चिकन लगता है कुछ विशेष ही स्पेशल बनने वाला है। इधर प्याज कटा हुआ है, इधर मसाला की तैयारी हो चुकी है। तो आज क्या बनाने जा रहे हैं आप? आज बना रहे हैं चिकन बिरयानी। वाओ, स्पेशल फरमाइश है। ये तो बच्चों का स्पेशल डिश है। तो आलिया, आज तुम लोगों का क्या फरमाइश था? हम बोले थे मम्मी को, मम्मी मैं मुझे संडे को चिकन बिरयानी खाना है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं बना दूंगी। और ओकेजन भी था मदर्स डे, तो कुछ प्लानिंग भी है मेरा। ओके, तो आज बच्चों ने बहुत बड़ा डिश जो है वो फरमाइश कर दिया है और बर्नाली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इस डिश को जो है ये अच्छा से अच्छा कैसे बनाती है। और हम लोग जो है हम लोग इसमें साथ देंगे कि डिश को बनाने में। और चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं बर्नाली क्या आगे कर रही है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? पानी चढ़ाने, बिरयानी चावल। ओके चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? आलू डालने में बिरयानी, बच्चों को अच्छा लगता है थोड़ा। अच्छा, ये आलू जो है ये छीला जा रहा है जो बिरयानी में डाला जाएगा, इसको कलर करके। और हल्दी डालेंगे, बिरयानी में फ्राई करके देने से अच्छा टेस्ट आता है। ये चिकन को आप फ्राई कर रहे हैं ना? हाँ, चिकन फ्राई करके देने से ना टेस्ट अच्छा होता है। बिरयानी का पीस सब काफी बड़ा बड़ा होता है ना, चिकन का थोड़ा सा बड़ा होता है चिकन बिरयानी। हाँ, थोड़ा सा मसाला पीस देते हैं। लाइन दिया हुआ है इसका मिक्सी का। ये मसाला में क्या क्या डाले हैं?
आदि, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, तीन दो से तीन छोटी लौंग और इलायची दो से तीन, जीरा और बल्कि गोल्डी। इसको मैं पीस देता हूँ। मसाला हो गया है क्या? देखो तो मसाला इतना ही पीसना है कि और इससे ज्यादा ठीक है ना? मसाला तो हो गया। ये पूरी तरह से फ्राई हो गया है? नहीं, हल्का हुआ है। अब फिर ये पकेगा ना मसाला में। बड़ा सुंदर कलर आया है। इसको फ्राई कितना देर करना चाहिए कि सही सही ये पक जाए? 5 से 7 मिनट। अच्छा, उसके बाद तो ये मसाला में भी जाएगा ना? हाँ। और फिर जो है दम लगेगा उस समय भी पकेगा। अच्छा। मनाली कुछ काम कर रही है तो वो बोली कि जरा सा चिकन हो गया होगा तो निकाल दीजिएगा, तो मैं चिकन निकाल दूंगा। हाँ, चिकन तो फ्राई हो गया है, काफी अच्छा फ्राई हुआ है, कलर भी लाजवाब आया है। और इसके बाद आलू जो है उसको भी फ्राई करना है, तो वो भी मैं डाल दूंगा ताकि उधर वो काम करके आ जाएगी अपना जो कर रही है, और इधर का काम भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चिकन कितना अच्छा फ्राई हुआ है, बहुत सुंदर इसमें कलर आया है। अब मैं आलू को भी डाल दूंगा इसमें। ये आलू भी देखिए कलर करके रखा हुआ है, और इसको भी फ्राई करने के लिए मैं डाल दूंगा इसमें। बिरयानी में थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का आलू होता है। दीबा और आलिया दोनों को ये बहुत ज्यादा पसंद है बिरयानी में आलू। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक देता हूँ। डाल दिया है दोस्तों, और थोड़ा सा गरम मसाला के लिए ये दालचीनी और लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा। दोस्तों, मुझे आप लोगों को एक चीज बताना है। कल रात हम लोग चिप्स वाला गेम खेल रहे थे, तो उसमें ना पापा क्या किए, पापा ना उसमें हम लोगों ने चार और ना चिप्स बनाए थे, तो उसमें मोमो, पास्ता, बिरयानी, कचौड़ी। तो पापा क्या किए ना, जो पहले जैसे मोमो का सारा एक साथ पहले कर लिया ना, तो वो जीत गया पहला। तो ना पापा क्या किए, पूरा गेम को ना पूरा राउंड में रखने के लिए ना क्या किए, बिरयानी, मोमो, पास्ता, कचौड़ी सारा का एक एक अरे तुम तो मेरा सारा पोल खोल दे रही हो। हाँ, तो बताएंगे दोस्तों। हम लोग कैसे सोच रहे थे, हाँ, कि हम लोग कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और ना फिर क्या किया मम्मी ने ना जल्दी से बोल दिया ना कि अरे ये देखो मेरा तो कंप्लीट हो गया, और फिर चेक दिखा दिए और गेम वहीं पर, और क्या हुआ वो वाला, अब मम्मी ने दिखा दिया और मम्मी का पास नहीं हुआ था, तो ना वो वाला ना तो बिरयानी हुआ था और ये तो कचौड़ी। हम बाय मिस्टेक सोचे ना कि चारों हो गया है। हाँ, फिर बोली नहीं मम्मी नहीं, और फिर ना हम लोग ने दूसरा गेम स्टार्ट किया। अब दूसरे में क्या हुआ ना, अब ना सभी लोग ना ऐसे ही करने लगे, तो
वाले थे और फिर ना किसी को दिखाई नहीं दिया। अब हम लोग के ध्यान में क्या आया कि अब हाँ हम लोग खाना ही नहीं खाए थे। अब क्या किया, ना किसी को मन नहीं था और खेलने का, तो ना हम लोग खेलना बंद किए और खाना था। तो देखे कि रात एक बज रहा है, हम लोग रात एक बज रहा था। मम्मी को बोले मम्मी कि कुछ खाना बनाओ, तब ना मम्मी बोली कि ऐसे ही जो तो खा के सो जाओ। तब हम लोग ना बोले कि नहीं, हम लोग को रोटी ही चाहिए। तो मम्मी एक रात के एक बजे रोटी बनाई थी। हम इतना थक गए थे कि लोग हमको रोटी बनवा के छोड़ी, तो बोली नहीं मम्मी रोटी ही खाती, तो हम रोटी बना दिए और फिर हम लोग खाए और सो। कल रात को मम्मी को एक बजे रोटी बनवाई ना, मम्मी पूरा गई। मम्मी क्या बोल रही थी, मुड़ी खा के सो जाओ ना। पर हम लोग को नहीं खाना था, मम्मी से रोटी बनवाई थी। और आलिया का तो नींद से हालत खराब हो गया था, लेकिन वो खेल रही थी जबरदस्ती ना, लेकिन मजा भी तो आ रहा था। फिर मैं ना मम्मी के खाना बनाते बनाते सो भी गई थी, पर ना फिर मैं उठी और फिर खाना खाया। मैं तो एक पल के लिए सो ही गई थी। बेटा आज मम्मी जो है आप लोग के लिए क्या बना रही है पता है? हाँ। क्या? बिरयानी। आपको पसंद है? हाँ। तो देखिए सारा तैयारी हो रहा है और ये जल्द से जल्द बनेगा। हाँ। तो मदर्स डे सेलिब्रेट करना है ना बेटा। हाँ। अपने हाथों से मम्मी को बिरयानी खिलाइएगा। पानी गरम हो गया, धो लिए हैं चावल, डाल देंगे चावल। एक किलो चावल है, अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूंगी। नींबू डालने से टेस्ट अच्छा है। ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता और दो तीन हरी मिर्च। अब इसको चला लूंगी। अब इसी तेल में मैं प्याज का बेरेस्ता बना लूंगी। बिरयानी का मेन चीज होता है बेरेस्ता। आइए दोस्तों, इधर तैयारी चल रहा है और देखिए ये चिकन वगैरह सब निकाल के आलू वगैरह रखा गया है। ज़रा सा हम लोग देख के आते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वाओ, बच्चे कूलर की हवा में बैठ के लूडो खेल रहे हैं। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है बेटा? अभी स्टार्ट हुआ है। और आप लोग की स्कूल की छुट्टी कब तक है? कब तक है तुम्हारा स्कूल का छुट्टी आ लिया? मेरा तो अभी स्कूल छुट्टी हुआ है, एक्चुअली जूनियर्स का हो गया, मेरा तो एक्स्ट्रा क्लास चलेगा अभी बंद। मतलब छुट्टी हो गया लेकिन एक्स्ट्रा क्लास चलेगा ना। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा से मन लगा के पढ़ो अच्छे से। और जरा तुम्हारा लूडो का क्या हाल चाल है वो भी हम लोग गाइस को दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, कितना आया आदिबा तुम्हारा? पांच। ओ, तुम्हारा गोटी निकला हुआ नहीं है क्या? निकला हुआ है, दो छह। तो चला ही नहीं, यहाँ पर चल गई। Yeah.
प्रसाद लिए हैं, बस अब इसको रख देंगे। 80% में देखिए गाइस इस तरह का जो है ये दाना खिला खिला हुआ हो जाता है। अब इसको दम लगाने की तैयारी होगी, पहले चिकन बन जाएगा उसके बाद फिर इसको दम लगाया जाएगा। बेरस्ता तैयार हो रहा है। हाँ, इसे पानी निकालकर प्याज से जैसे पानी उड़ जाएगा तो खिला खिला बेरस्ता। अब मैं इसको निकाल लूंगी। बेरस्ता में प्याज एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना। हाँ, और क्रिस्पी भी हो जाता है ना। हाँ, ये ठंडा होगा ना। हाँ, ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसमें मैं मसाला मिला लूंगी जो मैंने मसाला बना के रखा था। ये चिकन के लिए मसाला बना रहे ना। हाँ। अच्छा, बेरस्ता आधा निकाल लिए और आधा प्याज जो है वो मसाला में चला जाएगा। हाँ। अच्छा, ये मसाला जो मिक्सी से पीस के रखा गया था। हाँ। गाइस वही अरे मसाला मैं है, चीज भूल ही गई। थोड़ा सा बेरस्ता से ना तेल थोड़ा सा निकालना है, इसको बिरयानी में डालने से क्या होता है ना, देने से टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, अब इसमें मैं मसाला डाल दूंगी। इसमें बाकी मसाला अभी पड़ेगा या इसको भूनने के बाद में? नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा दही भी डालाएगा। अच्छा, और मसाला वगैरह 200 ग्राम जैसे दही डालाएगा। अभी मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। टमाटर एक ही काटना है? हाँ, दही डालना है ना, इसे भी कढ़ाई से डालना है। और ये होम मेड गरम मसाला है दोस्तों, कढ़ाई से डालूंगी। और थोड़ा सा बिरयानी मसाला और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कलर के लिए। और इसको मसाला को मैं थोड़ा सा पका लूंगी। हाँ, और ये टमाटर भी डालूंगा। बस इसको मैं पका लूंगी। उसके बाद थोड़ा सा ये मसाला ये हो जाएगा, इसका स्मेल चल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। बेटा भूख लग रहा है क्या? हाँ सर, बन रहा है बेटा, है ना, थोड़ी देर और उसके बाद बस खाना खाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। दोस्तों मैं इधर रायता और सलाद की तैयारी कर रहा हूँ। रायता के लिए नहीं, मैं छील लेती हूँ। रायता में मैं 2 खीरा डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये रायता के लिए मैं कद्दूकस कर रहा हूँ। मसाला का कलर बहुत ही बेहतरीन आया है। मसाला गल गया है, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। थोड़ा सा फ्राई कर ली थी ना, तो अब इसमें पकने में ज्यादा लेट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ। ये मैंने खीरा काट लिया है, अब मैं धनिया पत्ता काटूंगा। मिर्ची डाल दीजिए।
आपको चाहिए? इसमें डाल देता हूँ। हाँ। और इसमें दो मिर्ची में डाल दूंगा। रायता जो है नमकीन बनाना है या थोड़ा मीठापन? मैं हल्का मीठा बनाना। अच्छा, अब इसमें मैं दही डाल दूंगा। देखो कितना दही डालूंगा। इसमें मैं डालूंगा चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा चीनी। तो चीनी और नमक पे घुलने तक इसको करना है। ये हमारा रायता बन के रेडी है दोस्तों। आपका चिकन कहाँ तक पहुँचा? बस अब 10 मिनट में हो गया। मसाला भी हो गया है, चिकन भी हो गया है, थोड़ा देर है बस। आलू कब डालिएगा? नहीं आलू नहीं डालेंगे, आलू पूरा भर दीजिए। अच्छा, आलू को जैसे ऊपर से दम से समय में डालना। हाँ। अच्छा ठीक है, सलाद भी बना दीजिए। अच्छा ठीक है, और सलाद के लिए निकाल लूँ। सलाद की भी तैयारी कर लेता हूँ। काका तो बन चुका है, चिकन पकड़ा है दोस्तों, मैं थोड़ा कर। हाँ सलाद की मैं बना ले रहा हूँ, रायता बन चुका है। दीवा भी हमको हेल्प कर रही है। दीवा गाजर धो के लाई है, मेरा प्यारी बेटी। आलिया रिकॉर्डिंग कर रही है। हाँ आलिया आज कैमरा पकड़ी हुई है तो वो आने नहीं सक रही है, तो वो भी बहुत हेल्प करती है। नहीं 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 नहीं, अगर काम ज्यादा रहता है तो आलिया बहुत हेल्प करती है, आलिया दीपा दोनों हेल्प करती। मेरा बच्चा लोग जो है दुकान में भी बैठती है, पढ़ाई भी करती है। थैंक यू पापा। हेल्प भी करती है। गुड गर्ल। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आलिया से मेरा झगड़ा हो जाता है। उसका काम हमको पसंद नहीं आता है, मेरा काम उसको पसंद नहीं आता है, ऐसे में दोस्तों झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होता है तो बोलती है आज से मैं कसम खाती हूँ कि आपसे बात नहीं करूंगी। और 2 मिनट के बाद वो आके हमको बोलती है पापा आप भी ना जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कभी
कभी कभी ऐसा होता है ना कि दीदी इतनी ज्यादा बहुत देर तक बात नहीं करती है, पापा बनाने आते हैं फिर मांगते नहीं है, फिर बाद में खुद ही आती है। प्याज कट गया है, खीरा भी काट लेते हैं, इस पर थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। हाँ। क्यों आलिया? इस तरह से गाइस इसमें सुंदर डिजाइन बन जाता है, इससे पानी भी बहुत छूटा। इसको बना लिया और इसको भी बना लेते हैं। आप जब तक रायता और सलाद बनाए तब तक मैं सीखती हूं। ये सलाद जो है खीरा कट कट गया है। हाँ। और थोड़ा सा मैं ये गाजर काट लेता हूँ। देखिए गाजर जो है कितना सुंदर बड़ा बड़ा साइज में हुआ है। हाँ। तो सलाद कट गया है, ये टमाटर जो है इसको भी काटना है ना। हाँ, काट दूँगी। मिर्चा थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिए। दीबा को क्या है कि पता नहीं चलता है, वो मिर्चा जो है ना वो उठा लेती है, थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे तो उसको दिखेगा। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। हो गया है, अब मैं इसको दम लगा दूंगी। गाइस सारा तैयारी हो गया है दम लगाने का। ये चावल भी देखिए तैयार है 80%। और इधर देखिए ये आलू है फ्राई किया हुआ, इसके बाद पुदीना है, धनिया पत्ता है, नींबू है, मिर्चा है। और इधर देखिए दोस्त ये जो तेल बेरस्ता से निकाला गया था वो तेल है, इसमें खुशबू होता है इस तेल में जो हम लोग यहाँ डालेंगे। ये जो है फूड कलर है, इसमें गुलाब जल है और केवड़ा जल है, साथ में यहाँ पे देखिए घी, ये बेरस्ता और ये होममेड गरम मसाला है और ये बिरयानी मसाला। ये सारा चीज़ को जो है हम लोग दम लगाने में अभी यूज करेंगे। गाइस सबसे पहले चावल को थोड़ा सा मैं निकाल लूंगा इसमें। अब इसमें चावल डालेंगे। आधा आधा चिकन इसमें लेयर लगाऊंगी। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना, हरा मिर्च, नींबू डालेंगे, के बाद थोड़ा सा कलर डालेंगे। गुलाब जल और केवड़ा जल जो है वो डालेंगे। थोड़ा सा बेरस्ता,
और थोड़ा सा जो हम लोग ऑयल रखते थे वो डाल देंगे, थोड़ा सा जो है होम मेड गरम मसाला। और ये बिरयानी मसाला, अब इसके ऊपर फिर जो है चावल डालेंगे, थोड़ा सा इसको पकड़िए। इसमें चिकन डाली, ये कलर में बाकी इसमें मिला दूंगा जब तक वो चिकन डाल रही है। इससे क्या होगा कि चावल में एक कलर आ जाएगा जो बचा हुआ चावल है, कुछ चावल वाइट होगा और कुछ चावल जो है ऑरेंज हो जाएगा। ये बिरयानी में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये हम लोग ऊपर से डालेंगे ये धनिया पत्ता, मिर्चा, नींबू। हाथ में तेल लगा हुआ है गाइस, इसलिए क्या हो रहा है कि वो फिसल जा रहा है। बाकी नींबू हम लोग ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा तेल देंगे। बिरयानी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये गुलाब जल और केवड़ा जल। लेयर में इसी तरह से जो है लेयर को करते जाना है, और बिरस्ता जो है इसके बाद डालेंगे। बाकी बिरस्ता हम लोग ऊपर से डालेंगे। अब चावल को जो है ऊपर से कंप्लीट डाल देंगे। एक किलो का चावल देखिए गाइस कितना सा बनता है, देखिए पूरा डेढ़ जो है भर गया है चावल से। डेढ़ किलो चिकन और एक किलो चावल, डेढ़ किलो चिकन है और एक किलो चावल है। तो फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, जो बचा हुआ हमारे पास है उसको डाल देंगे। बचा हुआ हमारा केवड़ा जल और गुलाब जल इसको पूरा डाल देंगे। ये खुशबू देता है आपको, बहुत अच्छा खुशबू आया बचा हुआ। बिरिस्ता का जो तेल है वो भी पूरा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालना है, ऑलरेडी हमने पहले ही डाल चुका है इसमें काफ़ी। और बचा हुआ बिरयानी मसाला और थोड़ा सा घी, ये हमारा रेडी है गाइस। अब इसको हम लोग ढक्कन दे दीजिए और इसको दम लगा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लेता हूँ, चढ़ा देता हूँ। एक डेढ़ मिनट जो है इसको फुल गैस ऑन में हम लोग ये करेंगे, उसके बाद फिर इसको कम कर देंगे और कम करके इसको बिरयानी ये धीरे 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 ये पक जाएगा। अभी ये हंडी जब तक गर्म नहीं हो जाता है तब तक जो है हम लोग इसको ऑन रखेंगे। अभी अब गाइस ये 40 मिनट तक जो है इसको दम लगाना है और उसके बाद फिर इसको हम लोग उतार लेंगे। 40 मिनट हमारा बिरयानी जो है पक चुका है,
धीमी आँच पे, आइए जरा सा देखते हैं क्या हो गया है। गैस को पहले मैं बंद कर देता हूँ। हमारा बिरयानी रेडी है गाइस। बिरयानी रेडी है गाइस। बिरयानी पूरी तरह से रेडी है गाइस। अब हम लोग खाने की तैयारी करेंगे। ये हमारा बिरयानी देखिए, अभी मिलाने के बाद जो है ये इसका कलर, रंग और खूबसूरती जो है वो सामने निखर के आया है। एकदम दानेदार ये बिरयानी है दोस्तों। हम लोग टेस्ट करेंगे अभी। आलिया कहाँ हो? हाँ देखिए, ये बिरयानी जो है पूरी तरह से तैयार है। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। खाने में भी वैसे ही टेस्टी होगा। तो अब हम लोग चलिए चल के अब खाने की तैयारी करते हैं। कलर बहुत सुंदर आया है ना, बहुत अच्छा। टेस्ट करके लोग पता ही हमको कैसे करना। दोस्तों आप लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा है ये देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो है कैसा बना है। प्रणाली जी आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप कहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। देवा, आलिया कुछ कहना है? एक बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे भी। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो बिरयानी में आलू बहुत अच्छा लगता है। इसको नहीं अच्छा लगता है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आती है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा। तो चलिए बेटा बैठिए, चलिए आइए अभी। हाँ दोस्तों, अभी खाना निकाला जा रहा है। दीवा सबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। सबर हो रहा है? सबर हो रहा है खाने के लिए, मैंने ये पूछा। नहीं हो रहा है। जल्दी खाने का मन कर रहा है? आलिया हाँ? खाने के लिए सबर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फटाफट खाया जाए। हाँ? रायता दे दी है ना? हाँ दे दी। गाइस मैंने रायता तो दिखाया ही नहीं आप लोगों को, एक बार रायता देखिए। ये बिरयानी के साथ रायता, बिना सलाद और रायता के बिरयानी इनकम्प्लीट है। अब मैं भी बैठता हूँ गाइस। दोस्तों आज मदर्स डे है और मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे बिरयानी बना दीजिएगा, और मम्मी ने भी यही बोला था कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज मदर्स डे के दिन मेरी मम्मी के लिए मुझे बहुत अच्छा, मतलब पूरा साल जो मम्मी हम लोग के लिए करती है, हम लोग एक दिन उनको डिवोट करते हैं, यही होता है एक्चुअली मदर्स डे। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा साल जो हम लोग के लिए मम्मी करती है, एवरी डे इज अ मदर्स डे। हर साल हम लोग एक एवरी ह्यूमन, हर एक इंसान ये सोचता है कि 365 दिन मम्मी का ये काम है, लेकिन मम्मी सब कुछ अपना छोड़ के
अपना फैमिली के ऊपर फोकस करती है। तो ये हम अपनी मम्मी को आज डिवोट करते हैं अपना दिन, और माय फर्स्ट बाइट गोज टू माय मम्मा एंड आल्सो माय फर्स्ट बाइट टू गोज माय मम्मा। मेरे बच्चों के लिए मैं कितना मायने रखती हूँ कि आज मुझे पता चला। आज का दिन माँ का दिन है, ये मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है मेरी बच्चियाँ, और आलिया ने पहला निवाला जो है वो अपनी माँ को खिलाया, ये दीपा खिला रही है। आज का दिन वाकई में दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, ये सारा संसार जो है वो एक माँ से ही तो फैला है, और माँ की अहमियत हर बच्चे को समझना चाहिए। हर कोई एक माँ के पेट से ही जन्म लिया, और बहुत बड़ी बात है कि आज मदर्स डे है, और मदर्स डे के उपलक्ष में आज ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोग घर में रहा, जो गाइज आप लोग देख रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरी तरह से देखिए, अंत तक देखिए। मजा आ रहा है बेटा? हम भी टेस्ट करके देखते हैं। लाजवाब बना है, बहुत सुंदर। आज मदर डे स्पेशल के चक्कर में उसको भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिल गया। थैंक यू। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे पूरा करते हैं, और ये जो मदर्स डे सेलिब्रेशन है आप लोगों को कैसा लगा? हम लोगों ने मिलजुल के बिरयानी बनाया और खाया, काफ़ी टेस्टी बिरयानी बनाया दोस्तों, और जिस ढंग से हम लोगों ने बनाया है अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी बना के खाइए। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ओके बाय।